बैक फ्रंट पर कोई भी स्नैक्स या कोई भी हम यदि सैलेड्स के लिए डिप चाह रहे हैं या फिर कटलेट्स के लिए डिप चाह रहे हैं तो बहुत ही इजी घर में आप डिप बना सकते हैं। जो इस डिप का नाम है हनी मेयोनीज डिप। और ये कैसे बना सकते हैं, इसके क्विकली फोर इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए। इसके लिए चाहिए एगलेस, यदि आप एगलेस खाते नहीं एग नहीं खाते हैं तो आप एगलेस मेयोनीज ले सकते हैं जो कि अवेलेबल रहती है मार्केट में। तो एगलेस मेयोनीज डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है, हम उसमें 2 टेबलस्पून केचप डालेंगे और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून डिपेंडिंग अपॉन कि मिठास आपको कितनी चाहिए खट्टे के साथ, तो उसके लिए हम डालेंगे हनी और चिली फ्लेक्स। तो आइए बनाते हैं हम हनी मेयोनीज डिप। सबसे पहले मेयोनीज ले लीजिए, ये मैंने 5 टीस्पून मेयोनीज ली है। हम अभी जिस क्वांटिटी के लिए हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम 5 टीस्पून मेयोनीज के साथ डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट मैं इसमें अंदाजे से चिली फ्लेक्स हनी जाएगी 1 टीस्पून के लगभग हनी जाएगी। और लास्ट में जाएगा केचप। केचप को पूरा ना डालते हुए इसको हम विस्क करेंगे, हम इसको विस्क को साफ लीजिए। बनके तैयार है हमारी किसी भी फ्रेश कुकुम्बर्स ब्रोकली को आप इसके संग डिप करके खा सकते हैं। ये डिप बहुत ही लाजवाब लगती है, इसको आप अभी तुरंत के तुरंत यदि आप इसको कटलेट बनाते हो कटलेट के संग भी खाते हैं, इट विल बी वंडरफुल डिप। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्लेन केचप और प्लेन सॉस और प्लेन मेयोनीज यू कैन डू सम वेरिएशंस ऑफ दीज हनी। हनी इज ऑल्सो हेल्दी एज वेल एज यू कैन मेक योर ओन फ्रेश मेयोनीज एट होम विच आई विल बी शेयरिंग अ रेसिपी हाउ टू make homemade mayonnaise but if you don't have a homemade mayonnaise and you have available mayonnaise which was bought from market that is also fine. So banaiye try kijiye aur apne comments Facebook pe ya YouTube pe share kijiye. Milte hain next episode mein weekend wala stuff pe. Bye bye.